आपका जो चार्ज है 15 से 16 हजार रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दो... अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इत्याकले ब्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों, आज दोस्तों आप लोग, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों के वीज़े के बारे में बात करेंगे, जिसका पासवर्ड ECNR है और ECR है, ठीक है। आज हम ये दो पर बात करने वाले, चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ECR पासपोर्ट, ठीक है। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई भी पहचान रखा है, कोई भी जानने वाला पहचान वाला कोई भी दोस्त यार है, तो ECR पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा भेजेगा। लेकिन ECR पासपोर्ट में अभी बहुत ही दिक्कत आ रहा है, क्योंकि ECR पासपोर्ट के लिए इमिग्रेशन अभी फ़िलहाल में 19 मई से बंद है। हाँ, अगर आपका पासपोर्ट ECNR है, ठीक है, अगर आपका पासपोर्ट ECNR है तो आप लोग टिकट खरीद के डायरेक्टली आ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ECNR पासपोर्ट, ECR जो पासपोर्ट है वो डायरेक्टली अभी इमिग्रेशन नहीं होता है, क्योंकि एजेंट लोग ज़्यादातर फ्रॉड कर रहे हैं पैसे के चक्कर में, तो वो आपका जो भी डायरेक्टली इमिग्रेशन नहीं करते। अगर आप समझा कर या प्यार मोहब्बत से बात करते तो वो आपका काम निकाल देंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्टली उनसे बात करते अगर कुछ भी टेढ़े तरीके से, तो वो आपका काम नहीं करेंगे। जैसे ट्रैवल एजेंट थे जो इमिग्रेशन के लिए, जैसा मैंने बताया, फ्रॉड कर रहे थे, तो इमिग्रेशन अभी रोक दिया गया, अभी इमिग्रेशन होल्ड है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा इमिग्रेशन के लिए। अगर कोई आपका एजेंट जो ट्रैवल एजेंट से या वो पहचानने का अच्छा, जो जिसका आपका अच्छा जो दोस्त वगैरह है जो आपके साथ ज़्यादा बनती है, तो वो आपको फिर भी निकाल सकता है। लेकिन अगर आपने समझदारी से बात नहीं की तो वो आपको नहीं निकालेगा। और ये इमिग्रेशन कितने हफ्तों के लिए रोक दिया गया है इसके बारे में अभी कुछ भी सामने नहीं आया, एक हफ्ते के लिए, दो हफ्ते के लिए। तो इमिग्रेशन ECR पासपोर्ट वालों के लिए फ़िलहाल में रुका हुआ है, जैसा कि मैंने बताया। पासपोर्ट में इमिग्रेशन करता भी है तो ECR पासपोर्ट में अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसका जो चार्ज है 15 से 16 हजार रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त था, उसका पासपोर्ट ECNR है, जो यहाँ पर बुलाया है हमने उसको, तो उसका पासपोर्ट ECNR था, तो उसने डायरेक्टली टिकट खरीद के वो सऊदी अरब में एंटर हो गया। लेकिन ECR पासपोर्ट के लिए अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों। तो जहाँ पर भी आपने जैसे कि सऊदी अरब से वीज़ा मंगाया है, जो भी ट्रैवल एजेंट को काम दिया है काम करने को, उसका और आपका इत्तेफाक हुआ होगा, इमिग्रेशन वीज़ा स्टैम्पिंग ये तीनों का, फॉर एग्जाम्पल 20 हजार रुपये आपका इत्तेफाक हुआ है, तो वो 15 हजार रुपये में क्यों करके देगा, ठीक है, 12 हजार में क्यों करके देगा। तो इसके लिए उसने काम बिल्कुल रोक दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अभी इमिग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको इमिग्रेशन करवाना है तो इसके लिए ECNR पासपोर्ट रहा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 19 मई से, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, 19 मई से बंद कर दिया है इमिग्रेशन, अभी काम हो रहा है, लेकिन उसके लिए 15-16 हजार रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे। तो दोस्तों अगर कोई काम कर रहा है, अगर आपको आना ही है तो यहाँ पर आ सकते हैं, आप आ जाइए, लेकिन 15-16 हजार का वो ना देखिए, पैसों को ना देखिए। अगर आपका काम हो रहा है तो आप जल्दी करवा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेगी अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं मिलता हूँ अगली अपडेट में, और बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।